वहीं इधर दूसरी जानब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की खसूसी हदायत पर सियालकोट बट में चलने वाली गैर कानूनी मिनी पेट्रोल मशीनों के खिलाफ महकमा सिविल डिफेंस का सर्च ऑपरेशन जारी है। दर्जनों मशीनें तहवील में लेकर मिनी पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकाम पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने नोटिस लेते हुए सियालकोट बट में स्मगल शुदा पेट्रोल से कायम मिनी पेट्रोल मशीनों के खिलाफ महकमा सिविल डिफेंस के CDO अब्दुल्ला शाकिर ने थाना एयरपोर्ट के इलाका से दर्जनों गैर कानूनी मिनी पेट्रोल मशीनें जब्त करके गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। शहर भर में चलने वाली हजारों मिनी पेट्रोल मशीनों से शहर भर में खतरात लाहिक हैं, जिसे अहले सियालकोट ने शहर भर को अदब तहफ़ का शिकार करार दिया है। अहले सियालकोट का कहना है कि स्मगलशुदा पेट्रोल से लाखों रुपए की गाड़ियों के अलावा जानी नुकसान होने का खतरा है, तहम ऐसे खतरात के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को नोटिस लेना चाहिए ताकि ऐसे खतरे से इलाका मकीनों को तहफ़ फराहम किया जा सके। रिपोर्ट कर रहे थे आदिल मुनीर, डिविजनल ब्यूरो चीफ, ग्रेट न्यूज़, सियालकोट।